माय डियर फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पूरी तौर पे एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, जो भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, इनका केवल और केवल उद्देश्य है आपको एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और ये किसी भी तौर पे आपको बाय सेल रिकमेंडेशन हम नहीं दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसका केवल उद्देश्य है एजुकेशन प्रोवाइड करना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न विद केके के एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे कि आप फिबोनाची नंबर्स को किस तरह से एक यूनिक वे में ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, और बहुत 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 अच्छी ट्रेड्स यहां आपको निकलती हुई मिलेगी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना लर्न विद केके चैनल, जिसको आपने बहुत सा प्यार दिया है और लगातार हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है और यहाँ पर हम लगातार तरक्की करते जा रहे हैं, और आप कहा जाए कि बहुत बड़ी फैमिली हमारी होती जा रही है और हम पहुँच चुके हैं करीब करीब 12,000 के पायदान पे। तो लगातार इसी तरह आप हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखिए, और लर्न विद केके चैनल, जो कि एजुकेशन देने में कहीं पीछे नहीं रहने वाला और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना ही हमारा एक उद्देश्य है। दोस्तों, हमने कल जो वीडियो डाला उसमें कई लोगों का हमारे पास कमेंट आया कि एक्सेल नहीं मिल रही। दोस्तों, जो हमने लिंक दी उससे जो एक्सेल आप डाउनलोड कर रहे हैं उसमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे की तरफ करेंगे तो आपको जो हमने सीट बना के दी है जहां गैंस के नंबर्स आ रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। कि जैसे आप खोलेंगे तो आपको लगेगा वो ब्लैंक है, लेकिन उसको नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए तो आप सबको एक्सेल सीट पे जो नंबर्स हैं वो वहाँ पे प्लॉटेड दिख जाएंगे। बहुत सारे लोगों कमेंट आ रहे हैं कि नहीं मिल रही, पर प्लीज़ उसको एक बार देखिए तो आपको मिल जाएंगे। कुछ लोगों के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, मेल्स आ रही हैं कि सर हमको एक्सेल सीट नहीं मिल रही है डेट वाली। तो दोस्तों, डेट वाली एक्सेल सीट आपको जो नेक्स्ट वीडियो हमने डाला है उसके अंदर बनाना सिखाया है, तो आप जाइए और उससे बनाने की कोशिश कीजिए। अच्छा करता हूँ कि डेट वाला भी जो वीडियो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छे शेयर्स निकल के आ रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में भी कम्युनिटी टैब के अंदर या हमारे जो टेलीग्राम चैनल के अंदर भी हम अपडेट करते रहेंगे कि आज हमारे कौन से शेयर्स राडार पे हो सकते हैं, राइट। तो जो मेरे पास शेयर्स आते जाएंगे मैं शेयर करता जाऊँगा, अगर आपके पास कोई शेयर आ रहा है तो आप भी दूसरों की भलाई के लिए वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, राइट। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते हैं। और आज का दिन तो बहुत ही खास रहा दोस्तों, एल्गो ने भी बहुत अच्छा ट्रेड पकड़ा और बहुत अच्छा यहाँ पे हमको मुनाफा हुआ, और कह सकते हैं कि बहुत अच्छी ट्रेड्स रही। लेकिन ये ट्रेड को हम फिबोनाची नंबर से कैसे पकड़ सकते हैं पर डे बेसिस पे, इस चीज की जानकारी आज इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग यहाँ पे आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर दोस्तों आप आए हैं चैनल पे, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर करके जाइए और वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपको हमारा प्रयास जरा सा भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा टोटल उद्देश्य ये है कि हम आपको एजुकेशन दें। अब दोस्तों, आज जो हम एग्जांपल ले रहे हैं इसके अंदर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर सकते हैं इस तरीके से जो मैं आपको बताने वाला हूं। जनरली हम क्या करते हैं, फिबोनाची नंबर आप देखेंगे तो यहाँ इन टूल्स के अंदर आपको फिबोनाची के जो एक टूल्स होता है वो आपके पास यहाँ अवेलेबल होता है, और जब आपको सिखाया जाता है कि जब हाई से लेके आप लो के तरफ इसको प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे स्टाइल के अंदर जब हम जाते हैं तो ये सब के सब लेवल्स आपके यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं और ये एक साथ आपकी स्क्रीन पे प्लॉट हो जाते हैं, राइट। ये सब के सब नंबर आपके यहाँ पे प्लॉट हो जाते हैं और आपकी स्क्रीन जो है कुछ इस तरह से नंबरों से भर जाती है। अलग अलग तरीका होता है समझाने का कि कैसे आप इसको ट्रेड करेंगे, लेकिन जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उसमें केवल और केवल आपको 0.5 का लेवल लेना है और उसकी सहायता से ट्रेड सम निकालने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एग्जांपल्स लेके बताऊंगा इसमें आपको करना क्या है। सबसे पहले आप यहां जाएंगे टूल्स के अंदर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेंगे, कोई भी हाई से लेके लो ले लीजिए, कोई भी हाई लो ले लीजिए, इस पर डबल क्लिक कीजिए टूल के अंदर और केवल 0.5 को आपको इसके अंदर टिक रखना है, बाकी सबको हटा दीजिए, यानी 0 को रखिए, 1 को रखिए और 0.5 को रखिए, बस इस तरह रख लीजिए। यानी 0.5 की जो हमारी लाइन है ये हमारी डबल वाली जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है ये नजर आ रही है 0.5 की लाइन, ठीक है। तो 0.5 की लाइन ही हमें रखना है, अब जब भी हम इसको प्लॉट करेंगे तो केवल हमको 0.5 का लेवल ही दिखाई देगा। अब मान लीजिए हम बात करते हैं
हम बैंक निफ्टी में आज ट्रेड की तैयारी कर रहे थे और हम चाहते थे कि हम बैंक निफ्टी में कैसे आज ट्रेड करें और कौन से हमारे लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। हम क्या करेंगे, हम कल तक के ट्रेड के लिए मार्केट के चार्ट को बिल्कुल छोटा कर देंगे, चार्ट को एकदम छोटा कर देंगे और हम देखेंगे कि जहां हम खड़े हैं उससे पहले का स्विंग हाई और एक सबसे जो स्विंग लो बना हुआ है वो कौन सा लेवल। तो यहां आप देख सकते हैं ये वाला हाई आपको नजर आ रहा होगा और सबसे नीचे चले जाइए ये वाला लो। हम क्या करेंगे, हाई से लो के बीच में या लो से हाई के बीच में इसको हम खींच देंगे इस तरह से, राइट। जैसे ही आप खींचेंगे तो आपके सामने एक 0.5 की लाइन आ जाएगी और एक आपको हाई और एक आपने जो लो चूज किया है ये मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, हम तीन हॉरिजेंटल लाइन यहां पे खींच देंगे, एक हम अपने हाई पे खींच देंगे, राइट, ये वाला हाई आ गया, एक हॉरिजेंटल लाइन हम खींच देंगे 0.5 वाला लेवल यानी आधा लेवल जो हो गया इसका, और एक हम सबसे नीचे खींच देंगे। ये तीन लाइनें हमने खींच दी यानी ये जो पूरा हमारा स्विंग हाई से स्विंग लो बना है टोटल जो हमारा बना था इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा ऊपरी हिस्सा जो है और जो निचला हिस्सा है इसको भी हम आधा आधा करते जाएंगे। देखिए कैसे कर रहा हूं, इस टूल को मैंने यहां से पकड़ा और इसको मैंने ले जाके रख दिया अब 0.5 वाली लाइन पे। तो अब ये 0.5 के जब मैं ले जा रहा हूं लाइन पे तो मेरे पास 0.5 का एक और लेवल आ गया यानी कि मैं इस 0.5 के लेवल पे अगेन एक लाइन ड्रॉ करूंगा यानी कि ऊपरी हिस्सा जो था उसको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। अब मेरे को निचला जो हिस्सा इसको भी दो हिस्सों में बांटना है तो मैं क्या करूंगा, इसको अब मैं यहां तक खींच दूंगा। तो अब देखिए फिर से मेरे पास 0.5 की लाइन आ गई तो 0.5 की लाइन को अगेन मैंने यहां पे क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं वही हाई लो को हमने अलग अलग हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया और अब हमारे पास अलग अलग लेवल्स आ गए, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, इन लेवल्स के बीच में भी अगर आपको लेवल निकालने हैं, इन लेवल्स के बीच में भी हम लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट मी डिलीट दिस वन, या इसका लग रहा है कि चेक रह गया है ये, इसीलिए यहाँ पे प्लॉट हो रहा है। जस्ट ए सेकेंड, लेट मी टू दिस वन एंड प्रेस ओके। ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया और यहाँ पे एक बार इसको मैंने कर दिया डिलीट, राइट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही उसको कर दिया था, अगर आप चाहें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी इसको आप चाहें तो पूरा का पूरा डिवाइड कर सकते हैं, लेवल्स निकाल सकते हैं। चलिए 1 घंटे वाले से अगेन हम एक बार शुरुआत करते हैं, पूरे के पूरे लेवल्स को अगेन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो देखिए सबसे निचला लेवल हमारा आ गया ये और सबसे ऊपर वाला लेवल आ गया ये। अब इसको हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 भागों में, राइट। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले भाग में और ऊपर वाले भाग में भी हम अपनी लाइंस को ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने कर दिया लाइंस को ड्रॉ। अब हम ऊपर वाले को दो हिस्सों में फिर से अगेन बांट देंगे, फिर से हमने इस लाइन को लाया यहाँ और हमने यहाँ पे खींच दिए फिर से एक लाइन, राइट। ये हमारी आ गई बीच वाली लाइन, अगेन हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। जस्ट सेकेंड, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये यहीं पे है, इसलिए ये टूल को हमको ऊपर ले जाना है। तो टूल को हमने खींचा और जस्ट सेकेंड कुछ यहाँ पे मेरे साथ गड़बड़ हो रही है, जस्ट सेकेंड होल्ड कीजिएगा दोस्तों। लेट मी, क्योंकि टूल को कई बार खींचने में क्या होता है कि लाइन वहीं पर हमारी बनी होती है तो टूल भी हमारा साथ में खिसकने की बजाय हम क्या करते हैं, हमारी लाइनें सरक जाती हैं, राइट। तो ये हुआ और इसका 0.5 आ गया हमारा ये, राइट। और फिर हमने इस टूल को खींच के रखा यहाँ तो लाइन तो हमारी आ गई करेक्ट। अब इस टूल को हम ले गए ऊपर की तरफ में, राइट। तो अब हम इसको फिर से डिवाइड कर देंगे 2 हिस्सों में, ये हमने एक हिस्सा और डिवाइड कर दिया। अगेन इस टूल को उठा के हम नीचे की तरफ ले आएंगे और यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा आ रहा है इसको भी हम 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देंगे। अगेन इसको नीचे की तरफ लाइए, यहाँ पे रखिए, तो अगेन आपको 0.5 की लाइन मिलेगी। यहाँ 0.5 की लाइन पे फिर से लाइन एक बार खींच दीजिए और नीचे वाला जो लेवल है यहाँ पे भी खींच दीजिए। इसके बाद अगेन इसको नीचे की तरफ लाइए, राइट, और 0.5 की लाइन पे अगेन हम एक लाइन खींच देते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा जो ट्रेंड था उसको हमने अलग अलग लेवल्स में यहाँ पे ड्रॉ करके इन लाइंस को हमने बांट दिया अलग अलग हिस्सों में, हमने 1 घंटे के हिसाब से किया।
अब आप क्या कर सकते हैं, 15 मिनट के हिसाब से या 10 मिनट के हिसाब से भी आप जाके इन लेवल्स को और भी ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। यानी आपको क्या करना है, जो सबसे ऊपर वाला लेवल आ रहा है इसको भी आप दो हिस्सों के अंदर बांट सकते हैं। यानी 15 मिनट के अंदर अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो यहाँ पे फिर से मैंने दो लेवल कर दिए, अगेन मैंने इस टूल को उठाया और यहाँ पे रख दिया, राइट। थोड़ा सा प्रिसाइज अगर आप करेंगे तो और भी अच्छा लेवल्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे रख दीजिए, अगेन इसको 0.5 के लिए आप यहाँ पे लाइए, प्रिसाइज बिल्कुल कर दीजिए इसको, राइट। और इसको एक लाइन अगेन आप ड्रॉ कर दीजिए, उसके बाद इसको ऐसे नीचे लेते जाइए और इस तरह से ही लेवल्स आप अपने ड्रॉ करते जाइए। ये वन टाइम काम है आपका, एक बार आपने कर लिया, मान लिया इंडेक्स के चार्ट पे कर लिया, बैंक निफ्टी पे कर लिया, निफ्टी पे कर लिया, क्रूड ऑयल पे कर लिया, तो ये लेवल्स आपके लिए हमेशा के लिए प्लॉट हो गया आगे के लिए। तो जब भी आपको करना है इस तरह से प्लॉट कर लीजिए सीरीज के शुरू में, और पूरी सीरीज में फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखिए लेवल्स हमने प्लॉट कर लिए, अब मान लीजिए अगर हमको आज ट्रेड लेना था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, राइट। अगर हम आज की बात करें तो आज आप देख सकते हैं कि मार्केट पहले गैप अप ओपनिंग हुआ और गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये नीचे की तरफ आया, इस लेवल को तोड़ा और ऑलमोस्ट इसने नीचे वाले लेवल्स के आसपास आपको यहाँ पे नीचे की तरफ में ट्रेड दिखाई। अब आप बोलेंगे कि सर इस ट्रेड को हम कैच कैसे करेंगे, कैच करने के लिए आप चाहें तो सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। आप सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ इजी तरीका। सबसे अच्छा भाई सुपर ट्रेंड लगा लो, अगर सुपर ट्रेंड सेल में है, हमारे लेवल्स के भी नीचे है, बने रहिए और नेक्स्ट लेवल आपका टारगेट होता है जो मैंने आपको बताया हुआ है। और भी ज़्यादा कन्फर्मेशन लेना है तो आप इसके अंदर MACD लगा लो नीचे की तरफ में, और भी ज़्यादा कन्फर्मेशन लगाना है भाई RSI लगा लो आप, मतलब तरीके बहुत हैं, मैंने आपको बताए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। और इसको आप क्या करो, RSI को 60-40 कर लो, 40 के नीचे जाए तो भाई हम सेल साइड में रहेंगे, 60 के ऊपर होगी तो हम बाय साइड में रहेंगे, राइट। और MACD भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जीरो की लाइन के नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ सुपर ट्रेंड भी हमारा सेल में आ रहा है, RSI भी 40 के नीचे आ रही है। तो अब 3-4 जब कन्फर्मेशन हो गए तो आपके पास तो कन्फर्म ट्रेड हो गई ना भाई, कहाँ जाने वाला है, नीचे की ट्रेड लीजिए, पैसे बनाइए, राइट। लेवल्स आपके पास हैं, पूरे दिन के लिए लेवल्स रहेंगे और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि मार्केट क्या करने वाला। देखिए कल क्या हुआ, मार्केट यहाँ नीचे गया, अब यहाँ जाने के बाद मार्केट अब कहाँ जाएगा, नेक्स्ट लेवल हमारा आ रहा है नीचे, नीचे जाने के लिए RSI को MACD को और भी ज़्यादा निगेटिव होना पड़ेगा तभी ये नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन जब RSI और हमारा जो MACD है ये सब हमको इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट अब यहाँ ठहरेगा, जब ठहरेगा तो ठहर के सुपर ट्रेंड अगर बाय दे रहा है, MACD बाय दे रहा, RSI 60 के ऊपर जा रही है तो नेक्स्ट लेवल मेरा टारगेट होगा, राइट। तो सुपर ट्रेंड अगर मेरे को यहाँ बाय दे रहा है तो मैं 44,600 की कॉल को बाय करके यहाँ काम कर सकता हूँ, और जब यहाँ पे आएगी तो मैं प्रॉफिट को बुक कर सकता हूँ। इसी तरह से पीछे के लेवल्स भी देख सकते हैं, जब यहाँ से बाय बन रहा है, RSI मेरे को 60 के ऊपर दे रही है, MACD मेरे को क्रॉस ओवर दे रहा है, सुपर ट्रेंड मेरे को बाय दे रहा है, लेवल्स के ऊपर मेरा सुपर ट्रेंड का बाय आ रहा, तो ये लेवल मेरा टारगेट हुआ। और देखिए ये लेवल पे एकदम आके आपका टारगेट हिट हो रहा है, राइट। इसी तरह से आप हर एक चीज के अंदर जाके लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं, आप NSE के अंदर कर सकते हैं, निफ्टी के अंदर कर सकते हैं। निफ्टी के अंदर तो देखें तो अगर निफ्टी के अंदर भी मैंने ड्रॉ किए हुए हैं लेवल्स, निफ्टी के अंदर देख सकते हैं आज ये जो लेवल्स थे कितना शानदार यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक पूरे लेवल्स आते दिखे। फिन निफ्टी के अंदर भी बात करें तो फिन निफ्टी के अंदर भी ये लेवल्स आप देख सकते हैं पूरे के पूरे लेवल्स काम करते हुए आपको नजर आए। बहुत 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 बेहतरीन तरीका है ये ट्रेड करने का, चाहे आप फिन निफ्टी में ट्रेड करें, निफ्टी में ट्रेड करें, बैंक निफ्टी में करें, क्रूड ऑयल में करें, USD INR में करें, सिप्ला में करें, जहां मर्जी वहां करना आप करिए। आपको केवल ट्रेंड जो आपका हाई लो का स्विंग लो है उसको डिवाइड कर देना है अलग अलग हिस्सों में और आपको उसका बेनिफिट उठाना है। अगर आप ये सीख गए दोस्तों ड्रॉ करके लेवल्स के हिसाब से सही सही ट्रेड करना, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कौन से ऑप्शंस में ट्रेड करना है, कैसे करना है, कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट, वो भी मैंने कल वाले वीडियो में बताया है, उसको जाके देख लीजिए। वो और ये दोनों को जब आप मर्ज कर दोगे दोस्तों तो हो ही नहीं सकता कि आपको यहाँ पे सही ट्रेड लेने से कोई भी रोके।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई प्रॉफिट ही होगा, स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, लेकिन जिस दिन मार्केट आपको दे रहा है, जिस दिन मार्केट आपको आपके पक्ष में है, उस दिन रुकिए, उस दिन आप पूरा जूस लीजिए मार्केट से, तभी आप यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे। यानी आपको लॉस करना है छोटा और प्रॉफिट करना है बड़ा, तभी आप यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो आज जो बन रहा है, इसका आप सब बहुत 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 इस्तेमाल करेंगे। मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर कैसा लगा वीडियो, और जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स में आप इसको लगा सकते हैं लगाइए, हमारे साथ शेयर कीजिए, कम्युनिटी में शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कीजिए, मुझे मेल कीजिए। जितना ज़्यादा शेयरिंग करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे, ऊपर वाला देख रहा है, उतना ही आप भी अपने जीवन में तरक्की करें। कोई चीज़ को अपने तक सीमित मत रखिए कि भाई ये नॉलेज मेरे पास है तो मेरे ही पास रहे, कोई कहीं लेके आज तक नहीं जा पाया है, सब यहीं रह गया दोस्तों। जो आपके पास है इस कम्युनिटी के लिए, इस देश के लिए, इस यहाँ के लोगों के लिए शेयर कीजिए कि वो लोग भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें, पैसा बना सकें और खुशियाँ अपने घर पर ले जा सकें। हमारी तरफ से रक्षाबंधन की आप सभी को शुभकामनाएं, आप सबका दिन शुभ हो और ये त्यौहार आपके जीवन में और भी खुशियां लेके आए। फिर से मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर, राइट। सो फिर से मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।